सो ही व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ अपना कॉलेज। ठीक है, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुका है अभी, मतलब कॉलेज जाने का टाइम हो गया मेरा, हॉस्टल जा रहा हूँ। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ रास्ते में क्या कुछ चीज़ें होता है और क्या कुछ आगे होता है, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, और आपको पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब ठोको यार आप लोग। भाई माइनस हो रहा है सब्सक्राइबर, कैसे माइनस हो रहा है, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, याद से, और लाइक भी करते जाना। ठीक है, तो एंजॉय करो वीडियो को। सो मेरा ट्रेन अभी 8:15 पे है सुबह। ठीक है, और मैं अभी चढ़ने वाला हूँ पानपोस से, क्योंकि पानपोस आपको पता नहीं होगा तो आप गूगल मैप में सर्च कर लेना। ठीक है, सर्च करके देख लेना कहाँ पे है पानपोस। ठीक है, तो मैं वहाँ से अभी जा रहा हूँ, अभी ट्रेन है, अभी मैं सीधे आपको पहुँचने के बाद आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, ये भी सेम टू सेम उसी ब्रिज के टाइप का दिखता है जिस टाइप का मैं पानपोस में जब दिखाया था आपको, सेम टू सेम उसी टाइप का ब्रिज दिखता है ये। और ये है झारसुगुड़ा से आगे। ठीक है, मेरा तो कॉलेज समरपुर ये में है, तो ये झारसुगुड़ा से आगे जाने से एक ईब नदी पड़ता है, उसके ऊपर ये ब्रिज तो बनाया गया है। ट्रेन जो है बहुत ही तेज़ी से जा रहा है। ठीक है, बहुत स्पीड जा रहा है भाई, इतना स्पीड तो मानना पड़ेगा, बहुत स्पीड जा रहा है, इसलिए मैं ब्रिज भी मतलब तुरंत ख़त्म हो गया। और ये साइड का जो हाईवे है, बीचू एक्सप्रेस वे बोला जाता है, तो वो ही आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं सीधा लेके चलता हूँ स्टेशन पे। अभी ये जो आप देख रहे हो, ये समलपुर रोड स्टेशन है। ठीक है, छोटा स्टेशन है, मुझे लगा यहाँ पे खड़ा होगा, ये पैसेंजर ट्रेन है, बट यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ यार। यहाँ पे अगर खड़ा होता तो मेरा नज़दीक पड़ता है रोड से जाने के लिए, तो अभी मेरे को सीधा समलपुर जंक्शन में खड़ा होना पड़ेगा, जो बड़ा स्टेशन है वहाँ पर मेरे को जाके अभी रुकना पड़ेगा। वहाँ से उतर के अभी ऑटो पकड़ के या फिर कोई और गाड़ी लेके जाना पड़ेगा यार, थोड़ा दूर हो गया। सो फाइनली हम समलपुर जंक्शन पहुंचने के बाद मैं अभी ऑटो पे जा रहा हूँ। ठीक है, देखो, देख सकते हो इधर और एक ब्रिज है, ये है हीराकुद डैम, जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, वो डैम का जो नदी है, महानदी बोला जाता है, उसका ब्रिज है। ठीक है, और अभी हम लोग अपना हॉस्टल पहुंचने वाले हैं, जस्ट पहुंचने वाले हैं। सो गाइस, फाइनली मैं हॉस्टल पहुँच गया, मैं तकरीबन दोपहर 1 बजे पहुँचा। ठीक है, और एक इंसिडेंट हो गया, मतलब अच्छी खबर बोलो या बुरी खबर समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जैसे ही मैं पहुंचा, उसका 3-4 घंटे के बाद ही एक नोटिस आया कि कोविड बढ़ चुका है, और हमारे हॉस्टल में भी कोविड हो चुका था, बट नोटिस नहीं आया था कि छुट्टी के बोल के। ठीक है, और मतलब छुट्टी हो गया, बट मैं उधर गया कि छुट्टी हो गया, भाई ऐसा कैसे, भाई एक दिन के लिए रहने का टाइम नहीं दिया, इसीलिए मुझे अभी मतलब उसी दिन लौटना था, बट मेरे दोस्त बोले तो आज ही आया तो एक रात रह ले, कल जाएगा, तो ठीक है मैं रह लिया और अगले दिन मैं सुबह चला आया। ठीक है, एक्चुअली मतलब समझ सकते हो ना भाई, खुशखबरी या दुखखबरी समझ में नहीं आ रहा है, से एक हिसाब से खुशखबरी बोल सकते हो, क्योंकि उसके अगले दिन एग्ज़ाम था। ठीक है, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और इधर छुट्टी भी मिल गया, तो मैं बहुत खुश था, और अगले दिन का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं ऑटो पकड़ के स्टेशन जा रहा हूँ फिर से,
और अभी भाई बहुत ही मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मैं आज गया और कल लौट रहा हूँ हॉस्टल से, भाई भाई ऐसा लग रहा है मतलब इतना छोटा दिन, मतलब एक एग्जाम देने गया था ऐसा लग रहा है। तो मैं अपना जो है स्टेशन पहुंच चुका हूँ, और ये समलपुर स्टेशन नहीं है, हीराकुद स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ से भी मतलब जो ट्रेन है वो यहाँ पे खड़ी होती है, तो मैं यहाँ से चढ़ के जाऊँगा अभी। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे भी मतलब छुट्टियों में अपना घर जाने वाले हैं, और उधर से तो ये हीराकुद स्टेशन है, आप सर्च करके देख सकते हो ये हीराकुद स्टेशन एक्चुअली कहाँ पर है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा पास जाके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे तो देखो हीराकुद स्टेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से मेरा भी ट्रेन आने वाली है, उधर से आएगी और पीछे जाएगी, मतलब ईस्ट तरफ जाने वाली है। जो मैं अभी जाऊँगा तो राउरकेला में उतरूँगा, देखते हैं राउरकेला में खड़ा होता है या फिर पानपोस में। अगर पानपोस में खड़ा हुआ तो वहाँ से उतर जाऊँगा, पानपोस से मेरा घर थोड़ा नज़दीक पड़ता है, इसीलिए राउरकेला एक्चुअली जंक्शन है, तो वहाँ पर बड़ा स्टेशन है, तो हर कोई स्टेशन मतलब हर कोई ट्रेन वहाँ पर जाके रुकता है। और ये मैं जो ट्रेन जाने वाला हूँ वो एक एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है। ये देखो मेरा ट्रेन आ गया, और मेरा सीट है डी, सीट कितना था, D290 आसपास था। मेरा जो है सीट पूरा लास्ट तरफ है, ठीक है। अभी ये एसी बोगी सब है, एसी कोचेस पार होने के बाद मेरा वो सीटिंग कोच है बैठने वाला। और ये है चाय वाले भैया, जो मोटू पतलू में देखे हो ना, चाय वाले भैया चाय समोसे खिलाते हैं, और ये सिर्फ चाय देते हैं। और सुबह सुबह भाई चाय कॉफ़ी नहीं पीने से कहाँ थोड़ा अच्छा लगेगा, तो थोड़ा कॉफ़ी भी चाय भी पी लेते हैं थोड़ा सा। भाई बहुत हवा चल रहा है और कॉफ़ी बहुत गर्म है, मतलब टी टी बहुत गर्म है, ठीक है, ये कॉफ़ी नहीं है। और मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से मतलब है ट्रेन के अंदर। सो फाइनली 3 घंटे के बाद मैं पहुंच चुका हूं अपना पानपोस्ट, यहां पे खड़ा हो गया। एक्चुअली लाइन क्लियर नहीं था इसीलिए यहां पे खड़ा हुआ, क्योंकि यहां पे एक्चुअली इसका स्टॉपेज नहीं है, ये एक छोटा स्टेशन है, ठीक है। और यहां पे मैं उतर गया, और मेरे पास सामान बहुत सारा है इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से। मैं सामान को रख के यहाँ पर वीडियो कर रहा हूँ, तो समझ सकते हो भाई कैसा वीडियो कर रहा हूँ। उधर मेरा सामान रखा हुआ है स्टेशन के पास, ठीक है। और चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्रेन है यहाँ पे ख़त्म हो गई, और मैं आपको उस साइड का थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। वनपोस का जो ब्रिज है वो कैसा दिखता है इधर से, ठीक है। और अभी थोड़ा चलते हैं उधर। भाई मेरा इतना सारा सामान था ना भाई, 3-3 बैग था भाई, मुझे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। और ये देखो वनपोस लिखा हुआ है, ठीक है। इधर देखो लेफ्ट साइड एक ब्रिज है, और इधर नया ब्रिज बन रहा है भाई, उधर रोड का ब्रिज अलग से बन रहा है, और मतलब काफ़ी सारे ब्रिजेस बन रहे हैं भाई। सिविल इंजीनियर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, समझ सकते हो। तो बस इतना ही था वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। और आपको कैसे टाइप का वीडियो देखना पसंद है यार, भाई बहुत डाउन चल रहा है हमारा चैनल, और क्या ही बोलूँ, फ्री फायर रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। और ये देखो हावड़ा टू टिटलागढ़, ये है इस्पात एक्सप्रेस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।